ये है मेरी टैरो कार्ड की लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 4। और आज इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कलर्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक टैरो कार्ड को रीड करते हैं तो उसमें सिर्फ बनी साइन लैंग्वेज से ही हम इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉम्पोनेंट्स और भी होते हैं जिनके बेसिस पर हम प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे हर टैरो कार्ड के ऊपर कोई नंबर लिखा होता है तो उस नंबर को हम सेपरेटली इंटरप्रेट करते हैं। हर टैरो कार्ड में बहुत सारे कलर्स होते हैं, कलर्स का अपना अलग मतलब होता है, साइन लैंग्वेज का अलग मतलब होता है, और कौन से आर्काना का या कौन से कैटेगरी का कार्ड है उसका मतलब अलग होता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और शुरू से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कलर्स, कि जब हम एक टैरो कार्ड को पढ़ते हैं तो उसमें हमें अलग अलग तरीके के जो कलर्स मिलते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वाइट कलर की। जब भी आपको टैरो कार्ड में वाइट कलर दिखाई देता है तो उसका क्या मतलब होता है? वाइट कलर से जब भी आप वाइट कलर को देखते हैं तो डे टू डे लाइफ में आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? पीस, कामनेस। तो एग्जैक्टली जब आप टैरो कार्ड में भी अगर आपको वाइट कलर का परसेंटेज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब होता है पीस, उसका मतलब होता है कामनेस। व्हाइट कलर के कपड़े हमेशा डॉक्टर्स पहनते हैं। डॉक्टर्स को हमेशा आपने देखा होगा कि वो ऊपर से एक व्हाइट कलर का कोट पहनते हैं। देश बदल जाए, भाषा बदल जाए, लेकिन डॉक्टर्स अक्रॉस द ग्लोब व्हाइट कलर का ही कोट क्यों पहनते हैं? क्योंकि डॉक्टर्स क्या दिखाते हैं? फेथ। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी बीमारी हो जाए, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सबसे पहले बिना सोचे बिना समझे आप जाएंगे एक डॉक्टर के पास। क्यों? अगर डॉक्टर बोलेगा सर्जरी करनी है तो आप डॉक्टर को बोलेंगे हाँ आप मेरा स्टमक काट सकते हैं, आप मेरा बॉडी का ऑर्गन निकाल सकते हैं, रिपेयर करके वापस डाल सकते हैं। क्या ये काम आप किसी नॉर्मल इंसान को देंगे? नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर पर ही आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी के साथ। इसलिए व्हाइट कलर हमें फेथ भी दिखाता है, डिग्निटी और इनोसेंस दिखाता है। व्हाइट का मतलब होता है सच्चाई। आप हमेशा जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं एक्सपेक्ट करते हैं कि प्लीज आप मुझसे सच बोलिए, अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे सच बताइए कि ऐसा कुछ है। डिग्निटी, ये कलर हमें डिग्निटी भी सिग्निफाई करता है, साथ ही साथ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड ऑनेस्टी। जब भी आपने क्रिश्चियन वेडिंग देखी होगी तो हमेशा क्रिश्चियन वेडिंग्स में लोग व्हाइट कलर का गाउन पहनते हैं और जो बॉयज होते हैं वो भी व्हाइट कलर के कपड़ों में ही ड्रेस्ड अप होते हैं। अगेन, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन जो हमें और कुछ नहीं बट सबसे ज्यादा ये बताता है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर फेथ करना है। आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है। इसलिए ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ये सारी चीजें हमें व्हाइट कलर से सिग्निफाई होती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कलर। जो नेक्स्ट कलर है वो है ब्लैक कलर। अब ब्लैक कलर हमें क्या दिखाता है? जहां व्हाइट हमें ऑनेस्टी दिखाता है तो ब्लैक हमें डिसऑनेस्टी दिखाता है। ब्लैक कलर का कोट कौन लोग पहनते हैं? जो लॉयर्स होते हैं, वकील होते हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लॉयर्स बुरे होते हैं, नो ऑफेंस, लेकिन हमेशा जब भी कोई केस लड़ा जाता है तो एक साइड हमेशा सच्ची होती है और एक साइड हमेशा झूठ बोल रही होती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि लॉयर्स को आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ब्लैक कलर हमेशा डिसऑनेस्टी, डाउट्स, कंफ्यूजन्स को दिखाता है, नेगेटिविटी को दिखाता है, इल्यूजन्स को दिखाता है और डिप्रेशन को दिखाता है। देखिए, जो मेरी पीपीटी है उसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप बुलेट पॉइंट्स को इलैबोरेट करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। जो जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ आप वीडियो में सुन सुन के अपने नोट्स बनाएंगे तो जब आप नेक्स्ट टाइम इन्हें पढ़ेंगे आपके लिए और बहुत अच्छा होगा। कमिंग टू नेक्स्ट कलर, विच इज येलो कलर। नाउ दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव कलर, और जब भी आप टैरो कार्ड्स की रीडिंग करेंगे ना तो आपको येलो कलर सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमनली फाउंड कलर है टैरो कार्ड्स में। अब येलो कलर होता है जुपिटर का कलर। जुपिटर हमारे वो प्लैनेट हैं जो गुरु को सिग्निफाई करते हैं, तो गुरु से ही हमें
इंटेलिजेंस मिलता है, एजुकेशन मिलती है। अगर गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा तो आप कितनी भी मेहनत करें या आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं ब्रेक जरूर आता है। सो बेसिकली अगर गुरु की ब्लेसिंग्स हैं, अगर आपको आपके टैरो कार्ड में बहुत ज्यादा ब्राइट येलो कलर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है, नेगेटिविटी नहीं है, क्लैरिटी है, कुछ नई बिगिनिंग है, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें हमें गुरु के आशीर्वाद से मिलती हैं और ये सारी ही चीजें इस कलर में दिखाई जाती हैं। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट कलर जो कि होता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर जनरली आपने जो सेंट्स होते हैं या मंक्स होते हैं उनको पहने हुए देखा होगा। क्यों? क्योंकि ऑरेंज कलर क्या दिखाता है? सैक्रिफाइस। अगर आप किसी सेंट को देखेंगे तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो कभी किलिंग नहीं करेंगे। जनरली जो मंक्स होते हैं वो वीगन फूड खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनिमल किलिंग नहीं करना चाहते हैं। वो मोह माया को त्याग चुके होते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके साथ अच्छा हुआ या किसके साथ बुरा हुआ। वो सिर्फ सैक्रिफाइस, ऑनेस्टी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पे बिलीव करते हैं। इसलिए ऑरेंज कलर दिखाता है सैक्रिफाइस को। ऑरेंज कलर हीलिंग पावर्स को दिखाता है। जो सेंट्स होते हैं, जो मंक्स होते हैं, वो कितना ब्यूटीफुली आपको हील कर सकते हैं। आप कुछ और नहीं भी कराए ना, अगर उनके ऑरा में भी बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, आपके अंदर एक अलग तरह की स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी आपको फील होगी। तो इसलिए ऑरेंज कलर सैक्रिफाइस और हीलिंग पावर को दिखाता है। लेकिन अगर ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा डार्क हो तो उससे क्या दिखेगा हमें टैरो कार्ड में? कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है और बहुत ज्यादा प्राइड है। नाइस लाइट ऑरेंज कलर हमें पॉजिटिव साइड दिखाता है, लेकिन बहुत ज्यादा डार्क ऑरेंज कलर हमें थोड़ा सा टुवर्ड्स नेगेटिव लेके जाता है। अब अगर मैं रेड कलर की बात करूंगी, नेक्स्ट कलर इज रेड कलर। तो इंडिया में जो रेड कलर है कॉमनली हमें सबसे ज्यादा दो जगह दिखाई देता है। एक होता है जब डेंजर का साइन मार्क किया जाता है तब, और दूसरा होता है जब भी हमारी बिग फैट ग्रैंड इंडियन वेडिंग होती है। तो ज्यादातर जो दुल्हन होती है वो लाल रंग का ही लहंगा पहनती है। तो रेड कलर से क्या सिग्निफाई होता है? दुल्हन लाल रंग का कपड़ा पहन रही है तो उससे हम क्या इन्फर करते हैं? कि रेड कलर शो करता है लव को, वो शो करता है पैशन को, डिजायर को और बहुत सारी एनर्जी को। जब भी किसी की नई शादी होती है तो एंथुजियाज्म, एनर्जी बहुत हाई लेवल पे होती है। और दूसरा ये कलर किसको दिखाता है? डेंजर का साइन भी इंडिया में फर्स्ट एड के ऊपर भी जो प्लस साइन होता है वो भी रेड कलर से मार्क्ड होता है। इसलिए ये डेंजर को भी दिखाता है, एंगर को भी दिखाता है, अग्रेसिवनेस को भी दिखाता है। तो रेड कलर के अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हैं, बट जब हम कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि किस चीज को हमें कैसे इंटरप्रेट करना होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कलर विच इज ब्लू कलर। ब्लू कलर किसका होता है? स्काई का और सी का। जब भी आपका मन उदास हो तो ऐसे बोलते हैं ना, जाओ थोड़ी खुली हवा खाकर आओ। बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलेंगे जाओ बाहर निकलो, थोड़ी खुली हवा में जाओ, अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि खुली हवा में आप आसमान के नीचे हैं। अब आप एकदम पॉजिटिविटी और कामनेस में आ गए हैं। और अगर आप समुद्र के किनारे बैठ जाएं, नेचर के साथ मिल जाएं, तो कितना अच्छा लगता है, कितना सीरीन फील होता है, कितना पीसफुल फील होता है। इसलिए ये जो ब्लू कलर है ये दिखाता है कामनेस को, ये दिखाता है पीस को और बहुत ज्यादा डेप्थ को भी। डेप्थ क्यों? क्योंकि सी की कितनी डेप्थ है आप कभी नहीं देख पाएंगे। आपको कभी नहीं पता कि एक सी के अंदर क्या क्या है। हमने इतनी स्टडीज की हैं लेकिन फिर भी एक सी के नीचे बेड पे क्या छुपा है, क्या नहीं छुपा है, हमें आज तक नहीं पता है। और उसी तरह स्काई, स्काई क्या है? खुली जगह को हम स्काई बोलते हैं। ऊपर आप कहाँ जाएं, कितना भी ऊपर जाएं, कुछ भी करें, आपको कुछ नहीं पता कि स्काई में क्या है। तो ये डेप्थ को भी दिखाता है। नेक्स्ट कलर पे आते हैं जो कि है ब्राउन कलर। अब ब्राउन कलर से हमें क्या याद आता है? हमारी मिट्टी, हमारी सैंड का कलर होता है ब्राउन। इसका मतलब ये अर्थ से कनेक्टेड कलर है। अर्थ पे क्या होता है?
जब भी हम बात करते हैं एलिमेंट्स की या किसी भी चीज की, धरती पर कोई इंसान जब आता है तो वो लोभ, मोह, माया, इन चीजों में फंसता है। मतलब मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, मनी से रिलेटेड प्लेजर्स, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें। इसलिए ये कलर हमें दिखाता है मटेरियलिस्टिक चीजें और अपने बारे में और चीजें जानने की इच्छा। क्यों? क्योंकि धरती पर जो भी इंसान है, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें अर्थ पे क्या चाहिए? हमें हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कुछ ना कुछ जानने की। मेरे बारे में ये बता दीजिए, मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, मैं कैसा करूंगी, मैं ये करूं, मैं वो करूं। तो अपने बारे में जानने की उत्सुकता, एक इनक्विजिटिवनेस, और मेटीरियलिस्टिक चीजों को दिखाता है ब्राउन कलर। नाउ वी कम टू ग्रीन कलर। ग्रीन कलर कनेक्टेड है नेचर से, ग्रीन कलर कनेक्टेड है पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे क्या होते हैं? एक छोटा सा बीज, और वो बीज, एक छोटा सा बीज कब इतना बड़ा पेड़ बन जाता है? और जेनरेशन टू जेनरेशन आपको फल, फूल, ऑक्सीजन देता है, आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए ग्रीन कलर हमेशा ग्रीनरी, पेड़ पौधे, इन चीजों से कनेक्ट कीजिए इस कलर को। तो ये दिखाता है प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, साथ ही साथ ये दिखाता है प्रैक्टिकलिटी और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी। अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कोई इश्यूज आ रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रीन कलर का यूज बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए। ग्रीन कलर की बॉटल यूज कीजिए, ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए, ग्रीन कलर के हैंकी यूज कीजिए, ग्रीनरी से एसोसिएट कीजिए, ग्रीन कलर के वॉलपेपर्स को यूज कीजिए फोन में। आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, हर चीज इम्प्रूव होगी। और टैरो कार्ड्स में इन्हें हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे ये मैं बताऊंगी आपको मेरे आगे के लेक्चर्स में। नाउ कमिंग टू वायलेट कलर। वायलेट कलर कैसा होता है? अब देखिए, जो वायलेट कलर है ना, ये दो रंगों से बना होता है। इसमें 50% लाल रंग होता है और 50% ब्लू कलर होता है। इसका मतलब एनर्जी भी है, कामनेस भी है, बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस को दिखाता है, ये स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। जब भी मैं टैरो कार्ड्स पढ़ाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, या जब भी मैं क्लासेस लेती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने कार्ड्स को ना वायलेट कलर के कपड़े के ऊपर हमेशा स्प्रेड कीजिए। बहुत लोग रेड कलर पे स्प्रेड करते हैं, बट आई ऑलवेज प्रेफर वायलेट कलर, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा दिखाता है और ये बैलेंस बहुत दिखाता है। जब भी आप ऑकल्ट साइंस में होते हैं ना, आपका दिमाग बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। आपके सामने कोई ऐसा इंसान आए जिसको आप पसंद नहीं करते हैं और वो अपनी प्रिडिक्शन कराना चाहता है, अगर आपको देखकर गुस्सा आता रहेगा ना, तो आपकी प्रिडिक्शंस कभी एक्यूरेट नहीं जाएंगी। अगर आपके मन में कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई बात चलती रहेगी ना, तो आप कभी भी लोगों को सही रास्ता नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आपके प्रिडिक्शंस में हमेशा बायस आएगा। इसलिए कामनेस और बैलेंस बहुत जरूरी है ऑकल्ट रिसर्चर्स के लिए। तो वायलेट कलर स्पिरिचुअलिटी को, बैलेंस को, ऑकल्ट साइंस को, साइकिक पावर्स को, इन चीजों को दिखाता है। एंड लास्ट वी कम टू पिंक कलर। पिंक कलर भी आपको दिखेगा टैरो कार्ड्स में बहुत ज्यादा। तो पिंक कलर होता है हमारे एक प्लैनेट का, जिसको हम बोलते हैं वीनस। आपने अगर मेरा पुराना लेक्चर सुना भी होगा तो मैंने उसमें प्लैनेट्स और नंबर्स के बारे में बताया है। वीनस किस चीज से जुड़ा होता है? वीनस का मतलब है लव, अफेक्शन, फैमिली, इमोशंस। ये थोड़ा सा ना फेमिनिन पर्सनालिटी दिखाता है। फेमिनिन मतलब जेंटल, सॉफ्ट। एक फीमेल, एक माँ कैसी होती है ना, वो चाहे कितनी भी करियर ओरिएंटेड हो, कुछ भी करे, लेकिन हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचेगी। कितनी भी प्रैक्टिकल हो, लेकिन एक इमोशनल साइड हमेशा उनको हिट करता ही करता है। लेकिन अगर ये पिंक कलर डल हो गया तो वो नेगेटिव एनवायरनमेंट दिखाता है। तो पिंक कलर प्यार का कलर होता है, अफेक्शन का कलर है, फैमिली का है, साथ ही साथ लग्जरी और कंफर्ट्स का भी कलर होता है, फैशन का भी कलर होता है। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें हमेशा फैशनेबल रहना बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें भी इस पिंक कलर का, इस प्लैनेट वीनस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर नंबर 4। मैंने आज आपको कलर्स के बारे में पढ़ाया। अब हमने सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम डायरेक्टली टैरो कार्ड्स को इंटरप्रेट करना, उन्हें पढ़ना, उन्हें सीखना सीखेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, हॉरोस्कोप रीडिंग की, न्यूमरोलॉजी की, नेम चेंज की, मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन की, या किसी भी तरह का कोई सजेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
The services are paid, but I always try to deliver my best. Thank you so much. नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सुरभि गोयल, एक वास्तु कंसल्टेंट, एक हॉरोस्कोप रीडर और एक टैरो कार्ड रीडर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी। ये है मेरी टैरो कार्ड की लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 4 और आज इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कलर्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक टैरो कार्ड को रीड करते हैं तो उसमें सिर्फ बनी साइन लैंग्वेज से ही हम इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉम्पोनेंट्स और भी होते हैं जिनके बेसिस पर हम प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे हर टैरो कार्ड के ऊपर कोई नंबर लिखा होता है तो उस नंबर को हम सेपरेटली इंटरप्रेट करते हैं। हर टैरो कार्ड में बहुत सारे कलर्स होते हैं, कलर्स का अपना अलग मतलब होता है, साइन लैंग्वेज का अलग मतलब होता है और कौन से आर्काना का या कौन से कैटेगरी का कार्ड है उसका मतलब अलग होता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और शुरू से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कलर्स, कि जब हम एक टैरो कार्ड को पढ़ते हैं तो उसमें हमें अलग अलग तरीके के जो कलर्स मिलते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी व्हाइट कलर की। जब भी आपको टैरो कार्ड में व्हाइट कलर दिखाई देता है तो उसका क्या मतलब होता है? व्हाइट कलर से जब भी आप व्हाइट कलर को देखते हैं तो डे टू डे लाइफ में आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? पीस, कामनेस। तो एग्जैक्टली जब आप टैरो कार्ड में भी अगर आपको व्हाइट कलर का परसेंटेज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब होता है पीस, उसका मतलब होता है कामनेस। व्हाइट कलर के कपड़े हमेशा डॉक्टर्स पहनते हैं। डॉक्टर्स को हमेशा आपने देखा होगा कि वो ऊपर से एक व्हाइट कलर का कोट पहनते हैं। देश बदल जाए, भाषा बदल जाए, लेकिन डॉक्टर्स अक्रॉस द ग्लोब व्हाइट कलर का ही कोट क्यों पहनते हैं? क्योंकि डॉक्टर्स क्या दिखाते हैं? फेथ। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी बीमारी हो जाए तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सबसे पहले बिना सोचे बिना समझे आप जाएंगे एक डॉक्टर के पास। क्यों? अगर डॉक्टर बोलेगा सर्जरी करनी है तो आप डॉक्टर को बोलेंगे हाँ आप मेरा स्टमक काट सकते हैं, आप मेरा बॉडी का ऑर्गन निकाल सकते हैं, रिपेयर करके वापस डाल सकते हैं। क्या ये काम आप किसी नॉर्मल इंसान को देंगे? नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर पर ही आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी के साथ। इसलिए व्हाइट कलर हमें फेथ भी दिखाता है, डिग्निटी और इनोसेंस दिखाता है। व्हाइट का मतलब होता है सच्चाई। आप हमेशा जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं एक्सपेक्ट करते हैं कि प्लीज आप मुझसे सच बोलिए, अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे सच बताइए कि ऐसा कुछ है। डिग्निटी, ये कलर हमें डिग्निटी भी सिग्निफाई करता है, साथ ही साथ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड ऑनेस्टी। जब भी आपने क्रिश्चियन वेडिंग देखी होगी तो हमेशा क्रिश्चियन वेडिंग्स में लोग व्हाइट कलर का गाउन पहनते हैं और जो बॉयज होते हैं वो भी व्हाइट कलर के कपड़ों में ही ड्रेस्ड अप होते हैं। अगेन, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन जो हमें और कुछ नहीं बट सबसे ज्यादा ये बताता है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर फेथ करना है। आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है। इसलिए ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ये सारी चीजें हमें व्हाइट कलर से सिग्निफाई होती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कलर। जो नेक्स्ट कलर है वो है ब्लैक कलर। अब ब्लैक कलर हमें क्या दिखाता है? जहां व्हाइट हमें ऑनेस्टी दिखाता है तो ब्लैक हमें डिसऑनेस्टी दिखाता है। ब्लैक कलर का कोट कौन लोग पहनते हैं? जो लॉयर्स होते हैं, वकील होते हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लॉयर्स बुरे होते हैं, नो ऑफेंस, लेकिन हमेशा जब भी कोई केस लड़ा जाता है तो एक साइड हमेशा सच्ची होती है और एक साइड हमेशा झूठ बोल रही होती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि लॉयर्स को आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ब्लैक कलर हमेशा डिसऑनेस्टी, डाउट्स, कंफ्यूजन्स को दिखाता है, नेगेटिविटी को दिखाता है, इल्यूजन्स को दिखाता है और डिप्रेशन को दिखाता है। देखिए, जो मेरी पीपीटी है उसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप बुलेट पॉइंट्स को इलैबोरेट करके आप अपनी नोट्स बना सकते हैं। जो जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ आप वीडियो में सुन सुन के अपनी नोट्स बनाएंगे तो जब आप नेक्स्ट टाइम इन्हें पढ़ेंगे आपके लिए और बहुत अच्छा होगा। कमिंग टू नेक्स्ट कलर, विच इज येलो कलर। नाउ दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव कलर, और जब भी आप टैरो कार्ड्स की रीडिंग करेंगे ना तो आपको येलो कलर सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमनली फाउंड कलर है टैरो कार्ड्स में।
अब येलो कलर होता है जुपिटर का कलर। जुपिटर हमारे वो प्लैनेट हैं जो गुरु को सिग्निफाई करते हैं, तो गुरु से ही हमें इंटेलिजेंस मिलता है, एजुकेशन मिलती है। अगर गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा तो आप कितनी भी मेहनत करें या आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं ब्रेक जरूर आता है। सो बेसिकली अगर गुरु की ब्लेसिंग्स हैं, अगर आपको आपके टैरो कार्ड में बहुत ज्यादा ब्राइट येलो कलर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है, नेगेटिविटी नहीं है, क्लैरिटी है, कुछ नई बिगिनिंग है, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें हमें गुरु के आशीर्वाद से मिलती हैं और ये सारी ही चीजें इस कलर में दिखाई जाती हैं। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट कलर जो कि होता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर जनरली आपने जो सेंट्स होते हैं या मंक्स होते हैं उनको पहने हुए देखा होगा। क्यों? क्योंकि ऑरेंज कलर क्या दिखाता है? सैक्रिफाइस। अगर आप किसी सेंट को देखेंगे तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो कभी किलिंग नहीं करेंगे। जनरली जो मंक्स होते हैं वो वीगन फूड खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनिमल किलिंग नहीं करना चाहते हैं। वो मोह माया को त्याग चुके होते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके साथ अच्छा हुआ या किसके साथ बुरा हुआ। वो सिर्फ सैक्रिफाइस, ऑनेस्टी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पे बिलीव करते हैं। इसलिए ऑरेंज कलर दिखाता है सैक्रिफाइस को। ऑरेंज कलर हीलिंग पावर्स को दिखाता है। जो सेंट्स होते हैं, जो मंक्स होते हैं, वो कितना ब्यूटीफुली आपको हील कर सकते हैं। आप कुछ और नहीं भी कराए ना, अगर उनके ऑरा में भी बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, आपके अंदर एक अलग तरह की स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी आपको फील होगी। तो इसलिए ऑरेंज कलर सैक्रिफाइस और हीलिंग पावर को दिखाता है। लेकिन अगर ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा डार्क हो तो उससे क्या दिखेगा हमें टैरो कार्ड में? कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है और बहुत ज्यादा प्राइड है। नाइस लाइट ऑरेंज कलर हमें पॉजिटिव साइड दिखाता है, लेकिन बहुत ज्यादा डार्क ऑरेंज कलर हमें थोड़ा सा टुवर्ड्स नेगेटिव लेके जाता है। अब अगर मैं रेड कलर की बात करूंगी, नेक्स्ट कलर इज रेड कलर। तो इंडिया में जो रेड कलर है कॉमनली हमें सबसे ज्यादा दो जगह दिखाई देता है। एक होता है जब डेंजर का साइन मार्क किया जाता है तब, और दूसरा होता है जब भी हमारी बिग फैट ग्रैंड इंडियन वेडिंग होती है। तो ज्यादातर जो दुल्हन होती है वो लाल रंग का ही लहंगा पहनती है। तो रेड कलर से क्या सिग्निफाई होता है? दुल्हन लाल रंग का कपड़ा पहन रही है तो उससे हम क्या इन्फर करते हैं? कि रेड कलर शो करता है लव को, वो शो करता है पैशन को, डिजायर को और बहुत सारी एनर्जी को। जब भी किसी की नई शादी होती है तो एंथुजियाज्म, एनर्जी बहुत हाई लेवल पे होती है। और दूसरा ये कलर किसको दिखाता है? डेंजर का साइन भी इंडिया में फर्स्ट एड के ऊपर भी जो प्लस साइन होता है वो भी रेड कलर से मार्क्ड होता है। इसलिए ये डेंजर को भी दिखाता है, एंगर को भी दिखाता है, अग्रेसिवनेस को भी दिखाता है। तो रेड कलर के अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हैं, बट जब हम कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि किस चीज को हमें कैसे इंटरप्रेट करना होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कलर विच इज ब्लू कलर। ब्लू कलर किसका होता है? स्काई का और सी का। जब भी आपका मन उदास हो तो ऐसे बोलते हैं ना, जाओ थोड़ी खुली हवा खाकर आओ। बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलेंगे जाओ बाहर निकलो, थोड़ी खुली हवा में जाओ, अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि खुली हवा में आप आसमान के नीचे हैं। अब आप एकदम पॉजिटिविटी और कामनेस में आ गए हैं। और अगर आप समुद्र के किनारे बैठ जाएं, नेचर के साथ मिल जाएं, तो कितना अच्छा लगता है, कितना सीरीन फील होता है, कितना पीसफुल फील होता है। इसलिए ये जो ब्लू कलर है ये दिखाता है कामनेस को, ये दिखाता है पीस को और बहुत ज्यादा डेप्थ को भी। डेप्थ क्यों? क्योंकि सी की कितनी डेप्थ है आप कभी नहीं देख पाएंगे। आपको कभी नहीं पता कि एक सी के अंदर क्या क्या है। हमने इतनी स्टडीज की हैं लेकिन फिर भी एक सी के नीचे बेड पे क्या छुपा है, क्या नहीं छुपा है, हमें आज तक नहीं पता है। और उसी तरह स्काई। स्काई क्या है? खुली जगह को हम स्काई बोलते हैं। ऊपर आप कहाँ जाएं, कितना भी ऊपर जाएं, कुछ भी करें, आपको कुछ नहीं पता कि स्काई में क्या है। तो ये डेप्थ को भी दिखाता है। नेक्स्ट कलर पे आते हैं जो कि है ब्राउन कलर। अब ब्राउन कलर से हमें क्या याद आता है? हमारी मिट्टी, हमारी सैंड का कलर होता है ब्राउन।
इसका मतलब ये अर्थ से कनेक्टेड कलर है। अर्थ पे क्या होता है? जब भी हम बात करते हैं एलिमेंट्स की या किसी भी चीज की, धरती पर कोई इंसान जब आता है तो वो लोभ, मोह, माया, इन चीजों में फंसता है। मतलब मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, मनी से रिलेटेड प्लेजर्स, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें। इसलिए ये कलर हमें दिखाता है मटेरियलिस्टिक चीजें और अपने बारे में और चीजें जानने की इच्छा। क्यों? क्योंकि धरती पर जो भी इंसान है, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें अर्थ पे क्या चाहिए? हमें हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कुछ ना कुछ जानने की। मेरे बारे में ये बता दीजिए, मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, मैं कैसा करूंगी, मैं ये करूं, मैं वो करूं। तो अपने बारे में जानने की उत्सुकता, एक इनक्विजिटिवनेस, और मेटीरियलिस्टिक चीजों को दिखाता है ब्राउन कलर। नाउ वी कम टू ग्रीन कलर। ग्रीन कलर कनेक्टेड है नेचर से, ग्रीन कलर कनेक्टेड है पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे क्या होते हैं? एक छोटा सा बीज, और वो बीज, एक छोटा सा बीज कब इतना बड़ा पेड़ बन जाता है? और जेनरेशंस टू जेनरेशंस आपको फल, फूल, ऑक्सीजन देता है, आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए ग्रीन कलर हमेशा ग्रीनरी, पेड़ पौधे, इन चीजों से कनेक्ट कीजिए इस कलर को। तो ये दिखाता है प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, साथ ही साथ ये दिखाता है प्रैक्टिकलिटी और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी। अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कोई इश्यूज आ रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रीन कलर का यूज बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए। ग्रीन कलर की बॉटल यूज कीजिए, ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए, ग्रीन कलर के हैंकी यूज कीजिए, ग्रीनरी से एसोसिएट कीजिए, ग्रीन कलर के वॉलपेपर्स को यूज कीजिए फोन में। आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, हर चीज इम्प्रूव होगी। और टैरो कार्ड्स में इन्हें हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे ये मैं बताऊंगी आपको मेरे आगे के लेक्चर्स में। नाउ कमिंग टू वायलेट कलर। वायलेट कलर कैसा होता है? अब देखिए, जो वायलेट कलर है ना, ये दो रंगों से बना होता है। इसमें 50% लाल रंग होता है और 50% ब्लू कलर होता है। इसका मतलब एनर्जी भी है, कामनेस भी है, बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस को दिखाता है, ये स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। जब भी मैं टैरो कार्ड्स पढ़ाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, या जब भी मैं क्लासेस लेती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने कार्ड्स को ना वायलेट कलर के कपड़े के ऊपर हमेशा स्प्रेड कीजिए। बहुत लोग रेड कलर पे स्प्रेड करते हैं, बट आई ऑलवेज प्रेफर वायलेट कलर, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा दिखाता है और ये बैलेंस बहुत दिखाता है। जब भी आप ऑकल्ट साइंस में होते हैं ना, आपका दिमाग बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। आपके सामने कोई ऐसा इंसान आए जिसको आप पसंद नहीं करते हैं और वो अपनी प्रिडिक्शन कराना चाहता है, अगर आपको देखकर गुस्सा आता रहेगा ना, तो आपकी प्रिडिक्शंस कभी एक्यूरेट नहीं जाएंगी। अगर आपके मन में कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई बात चलती रहेगी ना, तो आप कभी भी लोगों को सही रास्ता नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आपके प्रिडिक्शंस में हमेशा बायस आएगा। इसलिए कामनेस और बैलेंस बहुत जरूरी है ऑकल्ट रिसर्चर्स के लिए। तो वायलेट कलर स्पिरिचुअलिटी को, बैलेंस को, ऑकल्ट साइंस को, साइकिक पावर्स को, इन चीजों को दिखाता है। एंड लास्ट वी कम टू पिंक कलर। पिंक कलर भी आपको दिखेगा टैरो कार्ड्स में बहुत ज्यादा। तो पिंक कलर होता है हमारे एक प्लैनेट का, जिसको हम बोलते हैं वीनस। आपने अगर मेरा पुराना लेक्चर सुना भी होगा तो मैंने उसमें प्लैनेट्स और नंबर्स के बारे में बताया है। वीनस किस चीज से जुड़ा होता है? वीनस का मतलब है लव, अफेक्शन, फैमिली, इमोशंस। ये थोड़ा सा ना फेमिनिन पर्सनालिटी दिखाता है। फेमिनिन मतलब जेंटल, सॉफ्ट। एक फीमेल, एक माँ कैसी होती है ना, वो चाहे कितनी भी करियर ओरिएंटेड हो, कुछ भी करे, लेकिन हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचेगी। कितनी भी प्रैक्टिकल हो, लेकिन एक इमोशनल साइड हमेशा उनको हिट करता ही करता है। लेकिन अगर ये पिंक कलर डल हो गया तो वो नेगेटिव एनवायरनमेंट दिखाता है। तो पिंक कलर प्यार का कलर होता है, अफेक्शन का कलर है, फैमिली का है, साथ ही साथ लग्जरी और कंफर्ट्स का भी कलर होता है, फैशन का भी कलर होता है। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें हमेशा फैशनेबल रहना बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें भी इस पिंक कलर का, इस प्लैनेट वीनस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर नंबर 4। मैंने आज आपको कलर्स के बारे में पढ़ाया। अब हमने सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम डायरेक्टली टैरो कार्ड्स को इंटरप्रेट करना, उन्हें पढ़ना, उन्हें सीखना सीखेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं हॉरोस्कोप रीडिंग की, न्यूमरोलॉजी की,
नेम चेंज की, मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन की, या किसी भी तरह का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. द सर्विसेज आर पेड बट आई ऑलवेज ट्राई टू डिलीवर माई बेस्ट. थैंक यू सो मच.